एमएलसी चुनाव का मतदान चल रहा है। हमारे साथ राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दिनेश प्रताप सिंह जी मौजूद है, जो कि बीजेपी से एमएलसी पद के प्रत्याशी भी, इनसे जानेंगे आखिर आज मतदान चल रहा है क्या कहना है। सर क्या कहना है आज मतदान चल रहा है? रायबरेली जनपद के पंचायत प्रतिनिधियों की 12 वर्षों से सेवा कर रहा हूं और मुझे दिखाई दे रहा है कि रायबरेली का पंचायत प्रतिनिधि पूरी तरह से मेरे साथ है। उसका स्नेह आशीर्वाद सहयोग मुझे मिल रहा है और भारतीय जनता पार्टी भारी मतों से रायबरेली जनपद में चुनाव जीतेगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अपनी सेवा के आधार पर, भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सेवाओं पर, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सेवाओं के आधार पर जो वातावरण उत्तर प्रदेश का है और देश का है, उसमें मतदाता भारतीय जनता पार्टी की ओर पूरी तरह से आकर्षित है और वो सहयोग कर रहा है पूरी तरह से। अगर बात किया जाए तो विपक्ष लगातार हमलावर है, वो बता रहा सत्ता पर दबाव में चुनाव कराना चाह रहा है, इसको लेकर नहीं, हम पूरी तरह से लोकतंत्र में भरोसा करते हैं। हम हर मतदाता की गांव गली चौखट तक उसके पास जाकर के उसका आशीर्वाद लिए हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि मुझे रायबरेली का मतदाता वोट दे रहा है। अगर हमको, हमारे विपक्ष के जो भी प्रत्याशी हैं, मुझे नहीं लगता कि वो मतदाताओं के पास गए हैं, वो मीडिया के पास गए हैं, प्रशासन के पास गए हैं, शिकायत की है कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, लेकिन मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि मैं अगर किसी की चौखट पर गया हूं तो अपने सम्माननीय मतदाताओं की चौखट पर गया हूँ। मैं ये कहने कहीं नहीं गया कि हमारे साथ कोई इनजस्टिस हो रहा है या हम गलत कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में विश्वास करती है और हम भी लोकतंत्र में पूरा विश्वास कर रहे हैं। यह हमारे साथ जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो है दिनेश प्रताप सिंह, जो कि बीजेपी से एमएलसी पद के प्रत्याशी, उन्होंने साफ बताया है कि इस बार का जो एमएलसी का चुनाव उनकी जीत निश्चित है और भारी मतों से वो विजय हासिल होंगे। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।